हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पुराने कूलर को किस तरह से पेंट किया जाता है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी, हर प्रकार के मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी और करने का प्रोसेस क्या होता है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो कंडीशन आप देख ही सकते हैं किस तरह की कंडीशन हो गई है इस कूलर की। 4-5 साल पुराना है तो इसका पेंट भी उखड़ चुका है, देख सकते हैं आप। इसका पहला वाला पेंट था वो बिल्कुल उतर चुका है, इसके ऊपर से पपड़ी बन चुका है, देख सकते हैं आप ऊपर साइड में, बाकी नीचे वाली साइड में सही है। तो ये सारा पेंट हमें उतारना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। इसको साफ़ करना पड़ेगा अच्छी तरह से। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जाली को निकाल लेंगे, जिससे हवा आती है उसको निकाल लेंगे। ये आसानी से निकल जाता है, खींच के आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं निकलता है तो पेचकस वगैरह से भी इसको निकाल सकते हैं, इसमें बोल्ट वगैरह नहीं लगी होती है कुछ भी। उसके बाद में हमें एक पत्ती लेनी है या फिर आप ब्लेड भी ले सकते हैं कोई, और जहाँ से भी हमारा पेंट उतरने वाला है उसको खुर्च के अच्छी तरह से निकाल देना है। ये देखिए, इस तरीके से खुर्च के जितना भी निकलता है उतना निकाल देना है पेंट हमें। ये देखिए, इस तरह से पूरे पेंट को हमें खुर्च के निकाल देना है। कहीं पर पपड़ी वगैरह नहीं रहनी चाहिए, अगर पपड़ी होगी तो वो बाद में दिखेगी आपको, बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको पूरा खुर्च के पूरा निकाल देना है, जितना निकल सकता है अच्छी तरह से निकालना है इसको। या फिर अगर आपको पूरा पेंट निकालना है तो आप पेंट रिमूवर का प्रयोग कर सकते हैं, उससे पूरा पेंट निकल जाएगा जो भी पुराना पेंट होगा। जैसे इसमें देखिए, कहीं कहीं से पेंट नहीं निकल सकता है, जो कि पूरा ख़राब नहीं हुआ है वहाँ से पेंट नहीं निकलेगा, बाकी जो पूरा ख़राब हो गया है वो सारा निकल जाएगा। उसके बाद में हमें पट्टे वाला रेगमाल लेना है, 80 नंबर या फिर 100 नंबर का, और इसको अच्छी तरह दबा के लगाना है रेगमाल। ये देखिए, हमने यहाँ से सारा पेंट उतार लिया था, तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मार देंगे जिससे कि डस्ट वगैरह इसकी साफ़ हो जाएगी, और जहाँ से पेंट नहीं निकला है वहाँ पर भी हम अच्छी तरह से दबा के रेगमाल मार देंगे, ताकि जो थोड़ी बहुत जंग वगैरह लगी हो वह साफ़ हो जाए इससे, और मिट्टी वगैरह भी साफ़ हो जाएगी जो जमी होगी। ये देखिए, जैसे जाली पर है तो यहाँ पर थोड़ी सी जंग ज़्यादा लगी है, तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन साफ़ उसको प्रॉपर करना है। हम पेंट सिर्फ बाहर वाले हिस्से में ही कर रहे हैं, बाकी आप चाहें तो अंदर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, बस सफाई आपको कर लेनी है पूरी, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होगा। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपकी पसंद का कलर हो वह कलर इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे पहले हल्का सा ग्रीन और वाइट हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर यही कलर करना है तो यही भी कलर कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है, पूरी जंग लगी हुई है, तो इसको हमें अच्छी तरह से साफ़ करना है, डस्ट वगैरह नहीं रहनी चाहिए। अगर डस्ट वगैरह रह गई तो पेंट हमारा चिपकेगा नहीं, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, इसलिए इसको साफ़ करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं पूरा साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूरा साफ़ कर दिया है और इसकी जाली वगैरह भी निकाल ली है। ये देख सकते हैं, जाली बाहर पड़ी हुई है, फूस वगैरह भी हमने निकाल लिया है, और सारी जगह पे हमने रेगमाल लगा के इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब बस हमें इसके ऊपर पेंट ही अप्लाई करना है। अगर आप प्राइमर मारना चाहते हैं तो प्राइमर भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आप प्राइमर मारना चाहते हैं तो जिंक्रोमेट प्राइमर का यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, हम इसमें डायरेक्ट पेंट ही करेंगे। बाकी अगर आपको रिपेयर वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका टैंक अगर कहीं से लीक है, तो उसके लिए इसमें आप पॉलिस्टर पुट्टी या फिर डीको पुट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा सा, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो पुट्टी भर सकते हैं। ये देखिए, ये 2K पॉलिस्टर पुट्टी है, बॉडी फिलर भी बोलते हैं, ये कार वगैरह की रिपेयर करने के लिए यूज होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका टैंक कहीं से लीक है तो वहाँ पर भर देंगे तो वो पूरा बराबर हो जाएगा, पूरा लीक नहीं करेगा फिर। या फिर आप चाहें तो दूसरी पुट्टी भी ले सकते हैं, जिसको कि हम MC पुट्टी कहते हैं, डीको पुट्टी जिसको कहते हैं। ये देखिए, ये वाली पुट्टी, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। पुट्टी ग्रे HD कंपनी की है, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। ये 1 kg की पैकिंग है और इसकी MRP है 237। इसकी छोटी पैकिंग भी आती है, 200 ग्राम भी आती है, आधा लीटर भी आती है, तो इससे भी आप रिपेयर करके उसके बाद में रेगमाल लगाकर फिर उसके ऊपर आप पेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट पेंट ही अप्लाई करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास पेंट है HT सिल्वर ASH, ये मोटे दाने वाला सिल्वर पेंट है, आधा लीटर की पैकिंग है और इसकी MRP है 208 रुपये। ये मयूर कंपनी का है, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। ऑयल बेस्ड पेंट ही होता है, इसको पतला करने के लिए तारपीन का तेल मिक्स किया जाता है इसमें। हम इसको स्प्रे गन से करने वाले हैं, बाकी आप चाहें तो ब्रश से भी इसको कर सकते हैं और रोलर से भी कर सकते हैं, फिनिशिंग सभी में आपको सेम ही मिलेगी। स्प्रे गन से थोड़ी सी ज़्यादा फिनिशिंग मिल जाएगी, ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग मिल जाएगी।
पहले हम डब्बे को खोल लेते हैं। देखिए ये मोटे दाने वाला सिल्वर पेंट है, इसको पहले अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, क्योंकि गाढ़ा माल जो होता है वो नीचे जमा होता है, तो इसको मिक्स करना ज़रूरी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा हम तारपीन का तेल मिला लेंगे। 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम तक पड़ता है तारपीन का तेल, बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे मारना है तो ऐसे भी मार सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, बस आपको मिला लेना है इसको अच्छी तरह से। देखिए अभी हमारा पूरा मिल चुका है, हमने इसमें तेल नहीं डाला है, बाकी आप तेल चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसको स्प्रे गन में भर लेंगे, उसके बाद में हम इसके ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। इसको अगर आप दुकान से लेना चाहते हैं तो आप इसको बोल दीजिए कि मोटे दाने वाला सिल्वर पेंट चाहिए, जो अलमारी वगैरह के ऊपर होता है, कूलर वगैरह के ऊपर होता है, तो वो आपको दे देगा। और इसमें हमारा लगभग आधा लीटर ही पेंट लगेगा, ज़्यादा पेंट नहीं लगेगा। बाकी अगर आप अंदर करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, हम बाहर बाहर ही करेंगे। वैसे आधा लीटर में पूरा अंदर बाहर सारा हो जाएगा, 2 कोट हो जाएंगे आधा लीटर में ही। चलिए मैं पूरा 1 कोट मार लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए अभी हमने सिंगल कोट इसके ऊपर मार दिया था, ये देख सकते हैं आप, सिंगल कोट हो चुका है। अब जाली वगैरह को हम पेंट कर लेंगे। ये जाली है, इसको हमने साफ़ कर लिया था अच्छी तरह से, अंदर बाहर दोनों जगह से साफ़ कर लिया था। उसके बाद में इस तरीके से इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर देंगे। अभी आगे मैं आपको ब्रश से और रोलर से भी करके दिखाऊंगा। अगर आपके पास स्प्रे गन नहीं है तो आप ब्रश से कर सकते हैं या फिर रोलर से भी कर सकते हैं। तो देखिए तीनों जालियाँ भी हमने पेंट कर ली हैं। अब वो ब्लैक पेंट करना है हमें, जो कि जहाँ से हवा आती है वो वाली जाली पे करना है, तो उसके लिए हमने ब्लैक पेंट लिया है। ये देखिए ब्लैक पेंट है, 200 ग्राम की पैकिंग है, ये ब्लैक इनेमल पेंट है। इसको ब्रश से भी कर सकते हैं और स्प्रे गन से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना हो ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ा सा माल कम था इसलिए हम ब्रश का ही प्रयोग कर रहे हैं, बाकी आप स्प्रे गन से भी मार सकते हैं। पेंट को भी पतला करने के लिए तारपीन का तेल डालना होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम पड़ता है तारपीन का तेल, या फिर आप चाहें तो कोई थिनर भी डाल सकते हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं होगी। चलिए मैं इसको भी पेंट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर तो ये देखिए हमने इसको फिट कर दिया है, जाली वगैरह इसमें लगा ली है। अब हमें इसके पर सेकेंड कोट अप्लाई करना है। सेकेंड कोट मारने से पहले इसकी सैंडिंग करनी पड़ेगी हमें हल्की सी, 220 नंबर या फिर 150 नंबर रेगमाल से, और उसके बाद में हम इसके पर ब्रश से अप्लाई करेंगे। बाकी आप चाहें तो स्प्रे गन से भी मार सकते हैं, मैं बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि अगर आपके पास स्प्रे गन अवेलेबल नहीं है तो ब्रश और रोलर से भी आप मार सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसके पर सेकेंड कोट अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ब्रश से मारेंगे आप, तो इसमें दाने दाने से निकल आएंगे। फिनिशिंग ब्रश और रोलर और स्प्रे गन में सेम ही होगी लगभग, क्योंकि ये दाने वाला पेंट है तो इसमें दाने अपने आप ही निकल आते हैं। ये देखिए इस तरीके से ब्रश से मारने के बाद में इसके ऊपर रोलर चला देंगे तो ज़्यादा बढ़िया फिनिशिंग आ जाएगी इसकी। ये देखिए इस तरीके से रोलर चला देंगे तो एक जैसा हो जाएगा, ये कहीं पर ज़्यादा कम नहीं दिखेगा। चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आप अभी हमारा पूरा कूलर कंप्लीट हो चुका है, और ये जाली भी लगा दी है हमने आगे वाली, इस पर भी हमने 2 कोट मार दिए थे। तो अभी हमारा पूरा कूलर कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।